गौतम विग जो कि हाल ही में बिग बॉस के घर से इविक्ट हुए हैं, हाल ही में यानी कि एटलीस्ट एक हफ्ता तो हो गया, अब दूसरे इविक्शन की बारी आ गई है। ऐसे में गौतम विग ने सामने आकर साजिद खान पर एक भड़कता बयान दिया है। जी हाँ, गौतम कॉन्स्टेंटली इंटरव्यूज दे रहे हैं और वो अपने ओपिनियन सामने रख रहे हैं, लेकिन वो बिग बॉस भी देख रहे हैं और बिग बॉस को भी फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो पूरा राशन वाला हफ्ता हुआ था गौतम को लेकर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गौतम की वाट लगाई गई थी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, उन सारी चीज़ों में मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाना चाहती हूँ कि कैसे कैसे बिग बॉस के घर के अंदर गौतम पर सारा का सारा बोझ डाल दिया गया था। नो डाउट कि ठीक है, चलो घर वालों के अपने रिएक्शंस थे, लेकिन साजिद ने जिस तरह का तरीके का बिहेवियर किया था, वो पूरे 3 से 4 दिन जब तक उन्हें पिज्ज़ा खाने को मिल नहीं गया तब तक साजिद वॉज बिहेविंग लाइक दिस, तब तक साजिद ने गौतम की नाक में दम कर दिया, उनका जीना हराम कर दिया था, याद है ना आपको ये सब। और अब गौतम नहीं बल्कि अर्चना के साथ भी वैसी ही गाली गलौच और वैसा ही बातें वो कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो जाता है। ऐसे में चलिए मैं आपको बताती हूँ कि गौतम विग सामने आए हैं और उन्होंने क्या कहा है साजिद को लेकर। वो कहते हैं, आई वंडर हाउ लो कैन साजिद खान गेट शेम, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज अब्यूज समबडीज मदर, ही इज कॉन्स्टेंटली डूइंग इट बट नो एक्शंस टेकन अगेंस्ट हिम, फॉरगेट अबाउट बिग बॉस, सीम्स लाइक इवन द फेलो कंटेस्टेंट्स डोंट हैव अ प्रॉब्लम। जी हाँ, बिग बॉस तो बहुत दूर की बात है, बिग बॉस तक जाना तो बहुत अलग मैटर हो जाता है, बिग बॉस तो छोड़ो घर वालों को कोई दिक्कत नहीं हो रही इस चीज़ से, मुझे तो हैरानी इस बात की है, ऐसा गौतम का कहना है। जब गौतम के साथ वो सब कुछ हुआ था तो आप याद कीजिए कि गौतम की मम्मी को गालियाँ दी गई, गौतम को बहुत सारी गालियाँ दी, मारने की धमकी दी कि अच्छा तू क्या करेगा, आजा बता ये वो, इस तरीके से इतनी सारी गंदी गंदी बातें गौतम के लिए कही गई। बट हैट्स ऑफ टू गौतम कि उन्होंने ना ही रिटेलिएट किया, ना उन्होंने उस गंदगी में हिस्सा लेना चाहा, ना वो उसका पार्ट बने। बट अब सेम चीज़ जब अर्चना के साथ हुई है, शुरुआत साजिद ने की, अग्रेसिव साजिद हुए, हमेशा आप देखिए नोटिस कीजिए फेयर वर्ड पर और खाने पर, ये दो मुद्दे हैं जहां पर साजिद खान का बहुत ज्यादा अग्रेशन निकल कर आता है और ट्रिगर पॉइंट है उनका बेसिकली ये। सो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे ये जो कुछ भी हुआ है उस चीज पर, और उसी के साथ साथ साजिद खान को वाकई मेरे हिसाब से इस वीकेंड का वार पर सलमान खान को फटकार साजिद को लगानी चाहिए, ना कि अर्चना को। मेकर्स को भी साजिद खान को फटकार लगानी चाहिए, ना कि अर्चना को लेकर कुछ कहना चाहिए। और गौतम ने अपनी तरफ से अपना स्टैंड क्लियर कट रख दिया है, क्लियर कट कह दिया है कि भैया मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, बट ये हो रहा है। अब आप क्या कहना चाहेंगे गौतम की इस बात पर, आप ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में।